आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल करें। ऐसा तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 10, पर मेरे इस वीडियो में खास बात यह है कि मैं कोई पेन ड्राइव या डीवीडी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, और आपका कंप्यूटर का जो बूट की होता है वो भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए मेरे को, आप इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत सारे लोग विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद सुनते ही डर जाता है, ये कंप्यूटर शॉप पे ले जाना होगा तभी इंस्टॉल कर पाएंगे, ऐसा सोचते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चे भी कर लेंगे। मैं आपको जैसा दिखाता हूँ आप ऐसा कीजिए, बहुत आसान है, ये बच्चे भी कर लेंगे। आप जब पूरा स्टेप फॉलो करके कर लीजिएगा ना, तब आपको लगेगा अरे ये भाई साहब तो बिल्कुल सही बोल रहा था, ये तो बच्चों का खेल है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये तीन फाइल की ज़रूरत होगी, ठीक है, ये विंडोज़ 10 की फाइल है, ठीक है, और ये ईजी बेसीडी ये ज़रूरत है आपको, और विनरार। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ की फ़ाइल डाउनलोड करना है। उससे पहले आपको जान लेना होगा आपके कंप्यूटर कौन सा बिट का है। राइट क्लिक कीजिए दिस पीसी पर, फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रोसेसर कौन सा बिट का है, ठीक है। ये देखिए X64 बिट का प्रोसेसर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरा 64 बिट का ही डाला हुआ है, तो आपको यह जानने की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर चलते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल क्रोम पे, यहाँ पर लिखना है विंडोज़ 10 ISO डाउनलोड। ये लिखने के बाद पहला वेबसाइट microsoft.com, इसी वेबसाइट पे जाना है आपको। इस पे जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, अपडेट नाउ डाउनलोड टूल। आपको इसमें ये वाला क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद एक बार रिफ्रेश मार देना है, ठीक है। अब आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर विंडोज 10 सिलेक्ट कर लेना है, फिर कंफर्म कर देना है, फिर आपको लैंग्वेज चूज़ करना है, आप इंग्लिश इंटरनेशनल चूज़ कर लीजिए, ठीक है, कंफर्म कर दीजिए। फिर आपको कौन सा बिट का डाउनलोड करना है, आपका प्रोसेसर अगर 32 बिट का है तो 32 बिट वाला डाउनलोड कीजिए, और अगर 64 बिट वाला है तो 64 डाउनलोड कीजिए। जैसे कि मेरा 64 है तो मैं 64 पे क्लिक करूँगा, ये देखिए डाउनलोड शुरू हो गया है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूँ, ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और बाकी दो फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विनरार ये डाउनलोड कर लीजिए, और ईजी बीसीडी ये आपको ज़रूरत होने वाला है। सबसे पहले आप विनरार को इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही आसान है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इंस्टॉल कर लीजिए, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है विदिस पीसी पे, यहाँ पर देखना है आपका कौन सा ड्राइव में कम से कम 6 GB खाली स्पेस है, 6 GB, 10 GB कुछ भी, कम से कम 6 GB, इससे कम नहीं होगा, 6 GB मिनिमम, ठीक है। फिर आपको जाना है दिस पीसी पे, राइट क्लिक करना है, मैनेज पे जाना है, एकदम आसान पे, कोई भी कर लेगा, मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जाने के बाद डिस्क मैनेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर मेरा तो सब में ही खाली है, मैं किसी भी से ले लेता हूँ। आप जिसमें आपका जो भी ड्राइव खाली है उस पर राइट क्लिक कीजिए, फिर श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर मैं 10 GB कर लेता हूँ, श्रिंक अनलोकेटेड आ गया, इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, बस हो गया आपका एक नया ड्राइव बन गया, ठीक है। अब आपको जाना है विंडोज 10 की फाइल में, इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल, और जो क्रिएट किया था आपने जो डिस्क उसमें जाकर क्लिक करके ओके कर देना है, मतलब उसके अंदर एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब एक्सट्रैक्ट होने देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया है, ये रहा वो डिस्क जो मैंने क्रिएट किया था, ये देखिए पूरा विंडोज़ की फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है, ईजी बीसीडी को नॉर्मली इसको इंस्टॉल कर लीजिए,
अभी आपको ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आपको जाना है ऐड न्यू एंट्री पे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक करना है विन पी ए, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस वाला आइकन पर क्लिक कीजिए। अभी वहाँ जाना है जहाँ आपने फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, विंडोज़ फाइल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस पर किया था, इसके अंदर जाना है, फिर सोर्स पे जाना है। यहाँ पर बूट विम नाम का एक फाइल होगा, इसके ऊपर क्लिक करके बस ओपन कर दीजिए। फिर इसके ऊपर टिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। बस हो गया आपका कंप्यूटर का काम। अभी तो बस करना है आपको पीसी को रीस्टार्ट करना है, ऐसे नॉर्मली रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो नहीं चलेगा, मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ले जाकर दिखाता हूँ। तो चलिए रीस्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। सिंपली मैं यहाँ पर रीस्टार्ट बटन दबाऊँगा, ठीक है। रीस्टार्ट, बस रीस्टार्ट होने देते हैं। वीडियो थोड़ा शेकी होगा क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, मैं हाथ से पकड़ा हूँ मोबाइल। आप बस वीडियो को समझिए। देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आ गया, एक है विंडोज 10 और दूसरा ये। इस पर आके आपको सिंपली एंटर कर देना है, नॉर्मली एंटर कर दीजिए, बस हो गया। अभी आपका इंस्टॉलेशन का सारा स्क्रीन आ जाएगा, जैसे रजिस्टर्ड होगा देख सकते हैं। लोडिंग फाइल्स हो रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। आई डोंट हैव ए प्रोटेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, मैं तो विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल करने वाला हूँ, उसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। कस्टम पे करना है, अपग्रेड नहीं, कस्टम। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा पार्टीशन में आपका विंडोज इंस्टॉल है, उसके ऊपर सिंपली क्लिक करके फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। मैं अब से फॉर्मेट नहीं करने वाला हूँ, तो बस इतना ही प्रोसेस है। ये कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान है। इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट कर दीजिए, फिर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके बस इंस्टॉल शुरू। बाकी तो मोबाइल बूट होने जैसा है ये, बस नाम वाम डालो, पासवर्ड डालो, बस हो गया, कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है, मेरा मेहनत अच्छा लगता है आप लोगों को, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। आज का वीडियो ही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि विंडोज़ स्टार्ट होने के समय बार बार वो दो स्क्रीन ना आए, विंडोज़ 10 और वो वाला ना आए, तो आपको करना क्या है, इस सॉफ्टवेयर में फिर से जाना है। फिर से जाने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, ओपन होने देते हैं तब तक। एडिट बूट मेनू, इसके अंदर जाना है और इस पर टिक करके डिलीट कर देना है, ठीक है। इस पर छेड़छाड़ मत कीजिएगा, नहीं तो गया, विंडोज स्टार्ट ही नहीं होगा। बस सिर्फ उसको डिलीट करने के बाद विंडोज 10 में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस सेव सेटिंग पे कर देना है, बस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने क्रिएट किया था उसको यहाँ से फॉर्मेट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट कर दीजिए। फिर आपको जाना है दिस पीसी पर, राइट क्लिक करके मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद
डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। इसके अंदर आपने जो क्रिएट किया था, मैं 10 GB किया था, यहाँ पर 9.77 दिखा रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम कर दीजिए, फिर से डिलीट पार्टीशन। अब आपने जहाँ से ये फाइल क्रिएट किया था, ये डिस्क, उसके ऊपर क्लिक करके एक्सपेंड वॉल्यूम करके नेक्स्ट करते जाइए, बस पहले जैसा हो गया आपका कंप्यूटर, और इसको सिंपली अनइंस्टॉल कर दीजिए, काम हो गया।